बीपीएससी परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर से बिहार सरकार पर निशाना साधा है। इस बार उनके निशाने पर बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करते हुए राज्य सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से लिखा कि बीपीएससी पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी बोले, पेपर लीक होना कोई बड़ी बात नहीं। उन्होंने आगे लिखा कि हत्यारे मुख्यमंत्री के कैबिनेट भी शर्म का हत्यारा निकला, बेशर्मी की कोई हद नहीं। आपको बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित 67वीं बीपीएससी परीक्षा का पेपर लीक होने के मामले में शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने पिछले दिनों एक अजीबोगरीब बयान दिया था। उनका एक अजीबोगरीब बयान सामने आया था। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने पेपर लीक को हल्का सा पेपर लीक बताया था। साथ ही साथ उनसे जब परीक्षा रद्द होने के कारण 6 लाख से ज्यादा परीक्षार्थियों की मानसिक प्रताड़ना से गुजरने की बात कही गई, तो उन्होंने उल्टा सवाल पूछ डाला कि परीक्षार्थियों को किस बात की मानसिक प्रताड़ना हुई। दरअसल रविवार को बीपीएससी की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र जो है क्वेश्चन पेपर एग्जाम शुरू होने से पहले ही करीब 15 मिनट पहले ही वायरल हो गए थे। आयोग ने 3 सदस्यीय जांच टीम की रिपोर्ट पर पेपर रद्द कर दिया। बता दें कि बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आर के महाजन ने जांच के लिए आयोग की 3 सदस्यीय टीम गठित की थी। कमेटी ने परीक्षा को रद्द कर दिया था। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए इनसाइडर लाइव को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो करके वीडियो को शेयर जरूर करें।